हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहा है सुबह क्या 8:15, और मैं ऊपर जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेकर के। आज बना हुआ है नमकीन वाला दलिया, और ऊपर जा रही हूँ। मम्मी बेबी को लेके ऊपर चले गई है सुबह सुबह की धूप दिखाने के लिए। चलिए फिर चलते हैं ऊपर को। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहलाक और छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कश आप लोग, उम्मीद कर लूँ कि सब लोग ठीक है नला। मैं बिल्कुल ठीक छूँ, और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूँ, मैं हूँ पूनम बिष्ट नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटा बाग से। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है अभी 10:30, और मौसम देख लीजिए आज का कैसा हो रहा है कोटा बाग में। ये देखिए, काफ़ी साफ़ सुथरा मौसम हो रहा है, धूप आ रखी है। मतलब आजकल बेबी को धूप सिखाने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। चलो बेबी, अब उसका नाम हो गया है शुभी। हमारे शुभी बेबी को धूप सिखाने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। और आपको बता दें कि हम कर रहे हैं पैकिंग, और किस चीज़ की पैकिंग कर रहे हैं अभी बताती हूँ आपको। तो हम लोग की हो रही है पैकिंग, दिखाती हूँ आपको। कल हम सब के सब कहीं जा रहे हैं, और ये देखिए पूरा बेड भरा हुआ है। ये सिर्फ बेबी के कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े नहीं है इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ बेबी के कपड़े हैं। ये देखिए सारी पैकिंग हो रही है अभी, बल्कि बेबी के कपड़े यहाँ पे ये नीचे भी रखे हुए हैं, और कुछ स्वेटर हैं यहाँ पर भी रखी हुई हैं। अभी पूरा पैक हो रहा है, और आप लोग गैस कर लीजिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलो आप लोग को ज़्यादा वो परेशान नहीं करती, बता देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं नानी के घर, मतलब मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये सब सामान लेकर के हम थोड़ा लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं, और मम्मी पापा आएंगे छोड़ने के लिए। तो बस मैं सामान पैक कर ही रही थी, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। और बेबी को नहला धुला करके सुला दिया है। ये हमारा प्यारा बच्चा, ये हमारा शुभी बेबी। ये देखो शुभी बेबी सोई है। तो शुभी बेबी सोई हुई है अभी, और मैं इसके कपड़े सारे पैक करने में लगी हुई। मतलब ये जो जितने भी रैक है ना, ये खाली होते जा रहे हैं। इसमें इसके खिलौने, सारे खिलौने नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी खिलौने से खेलने लायक नहीं हो रही है। तो एक या दो खिलौने लेके जा रही हूँ बस, क्योंकि अभी कहाँ खेलेगी ना खिलौने से, और मुझे पता भी नहीं कि कौन से महीने से खेलते हैं लोग खिलौने से। तो एक या दो रख लेती हूँ, ऐसे छमछम बजाने वाले हैं ये। एक या दो इनफ है, बाकी अगर खेलेगी तो वहीं से खरीद लूँगी मैं, हल्द्वानी में तो मिल ही जाते हैं। इतने सारे नहीं लेके जा रही हूँ, बस एक काफ़ी है। और ये वाला जो रैक है वो तो पूरी खाली हो चुकी है, और ये वाली जो रैक है ना वो पूरी खाली हो चुकी है। ये देखिए अब बस बेबू के छोटू छोटू से निकल रहे हैं, ये छोटू छोटू से। ये देखिए अभी गर्मियों के काम आएंगे तो ये नहीं रखे हुए हैं। और बाकी मुझे जो जो याद आते जा रहा है मैं रखते जा रही हूँ। अच्छा हाँ, अभी तो डायपर्स भी हैं, ये डायपर रखने हैं, बहुत सारा सामान है। और बेबी का जो नहाने का और क्या बोलते हैं, मसाज वसाज करने का जो सामान है पूरा किट, ये मैं पूरा किट लेके जा रही हूँ। ये आई थी नानी लोग की तरफ से, इसमें से जो एक्स्ट्रा डबल डबल सामान थे वो मैंने निकाल दिए, और जो मुझे लगता है कि हाँ जो इतने लंबे टाइम तक काम आ जाएगा तो लेके जा रही हूँ। और कल पेन ड्राइव आ गई थी, चाचा ने पेन ड्राइव भिजवा दी थी, तो पेन ड्राइव से मैंने फ़ोटो भी सिलेक्ट करने हैं। तो आज मेरा बहुत सारा काम है, एक तो पैकिंग करनी है क्योंकि जो जो सामान मुझे याद आते जाएगा वो रखते जाना है, और दूसरा मैंने फ़ोटो सेलेक्ट करनी है क्योंकि फिर मैं चले जाऊंगी, लैपटॉप लेके जाऊंगी तो फ़ोटो यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। और जब तक हम जाएंगे तो चाचा जो हैं फ़ोटो वाले चाचा, वो एल्बम बना के तैयार रख लेंगे। चलिए फिर मैं जल्दी से काम करती हूँ। और आज संडे है तो निशु भी कंप्यूटर क्लास नहीं गई हुई है, और वो भी सिलाई में लगी हुई है। मेरे बहुत सारे सूट अभी जो ढीले नहीं हुए हैं तो निशुनी को ढीले करने में लगी हुई है। ये देखिए कुछ तो उसने ढीले कर दिए, कुछ और बचे हुए हैं तो उनको ढीले करने में लगी हुई है। तो चलिए फिर मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली सारी पैकिंग हो गई है, और अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, दूध पीना भी भूल गई। अभी पी रही हूँ दूध, इसको खा रही हूँ रस के साथ, मतलब रस को खा रही हूँ दूध के साथ। और मम्मी पापा क्या कर रहे हैं देखते हैं। पापा यहाँ हरी सब्जी लाई बिन रहे हैं, हमारे घर पे थी या कहीं से खरीद के लाए हो? ताऊ के वहाँ उगरी ऊपर। अच्छा, ताऊ के यहाँ से लाए पापा। और ये तो रहे थोड़े घर से, तो दो हमारे वहाँ मिली है, ये हमारे वहाँ की मिली। अच्छा, ये तो रही।
हे एवरीवन, तो अभी बज रहा है शाम के 4 और मैं सो गई थी। और आज मैंने दिन का खाना नहीं खाया। मैंने लास्ट टाइम पे दूध और रस खा रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, मैं थक गई बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप लोग को पता है ना, आज मैंने पैकिंग करी और इतने बार उठना बैठना, ये सामान नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मैं इतना थक गई पैकिंग करने में। हालांकि पैकिंग करने में निशु ने मेरी पूरी हेल्प करी है, मतलब निशु के बगैर ही पैकिंग तो नहीं हो पाती, निशु ने मेरी पूरी हेल्प करी। फिर भी मैं इतना ज़्यादा थक गई ना, मतलब मेरी कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया था, पाँव में भी काफ़ी दर्द हो गया था, और मुझे नींद आ गई। बेबी को मैंने फीड कराया था, उसके बाद मैं भी सो गई, ये भी सो गई। फिर अभी 3:30 बजे के टाइम पर मैं उठी, मैंने कहा बेबी को दूध पिलाना है, इसको दूध पिलाया मैंने, और अब ये सो गई है। हमारी सुबह सो गई है, ये देखिए ये सो गई है। और मैं काम कर रही हूँ फ़ोटो सिलेक्शन का, जो नामकरण और वो कहता बैसाओ कि फ़ोटोग्राफ से उनको मैंने सेलेक्ट करना है, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ मायके, तो ये काम आधा अधूरा रह जाएगा। अगर फ़ोटो सिलेक्शन का काम हो जाएगा ना, तो चाचा हमारे मतलब वहाँ जाने तक आराम से एल्बम बना के तैयार रखेंगे। और एक फ्रेम है, 100 फ़ोटो सिलेक्ट करनी है मुझे, और एक फ्रेम सिलेक्ट करना है, तो ये काम होता रहेगा। ये रही निशु, ये देखिए, ये मैं और निशु और हमारी शुभी, ये देखिए, ये हैं दादा दादी, यहाँ के दादा दादी हैं ये, दादू हैं, ये दादी हैं, ये हमारी शुभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये नाना नानी हैं, ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये देखिए, ये मेरे पापा, ये मैं और शुभी, ये देखिए, और ये जितनी भी लेडीज आई हुई थी वो सब हैं। ये दादाजी और दादी नाम सुनाते हुए, ये बहुत सारी फ़ोटो दो दो बार रिपीट हो रखी हैं। ये दादा दादी, ये है नीमा ताई, ये दादा दादी, ये देखो पापा की फ़ोटो कैसी आ रखी है। ऐसी फ़ोटो ना मुझे सेलेक्ट करनी है जो सही आ रखी हैं। और ये देखिए, यहाँ वाली दादी हैं और ये हल्द्वानी वाली दादी हैं, ये मैं पूजा करते टाइम, ये दादा दादी, ये नाना नानी, ये है दादी अपनी नातिनी को प्यार करते हुए, ये नानी माँ, ये दादी नाम सुनाते हुए, ये देखिए, ये तो इतनी सारी फ़ोटोज़ है ना, मुझे सारी सिलेक्ट करनी है। थोड़ा टाइम इसमें, आधा एक घंटा तो पूरा लग ही जाएगा मेरा, क्योंकि 100 फ़ोटो सिलेक्ट करनी है और बहुत सारी, लगभग 200 या 300 फ़ोटोज़ हैं, तो उनमें से 100 फ़ोटो सिलेक्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। बहुत क्या, आधा ही घंटे में तो कर ही लूँगी, चलो जो भी है नहीं है। तो चलो आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। अभी तक तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ओहो, ये भी उड़ गई शायद। ये तब तक थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ओफो, अभी तो फिर भी यार बंद हो गई। पता है जब मैं उठी थी ना, उस टाइम पे बहुत तेज बारिश हो रही थी। दिख रहा है आपको पीछे का मौसम, ये देखिए, ये देखिए, अभी भी बारिश हो रही है, उतनी तेज नहीं हो रही है लेकिन हो ही रही है बारिश। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कैसा मौसम हो रहा है। मतलब अभी भी ना, अभी तो बहुत साफ मौसम हो गया है, इससे पहले ना पूरा धुंध छा रखी थी, पूरा कोहरा टाइप का आ रखा था। देखिए काफ़ी बारिश हो रही है, अभी अचानक से बन गया मौसम। तो हल्की सी मुझे भूख भी लगी गई है, 4:15 होने वाला है, तो देखते हैं आज खाना क्या बना था। खाना तो वैसे मेरा रोज सेम ही रहता है, तुरई या लौकी की सब्जी में से कोई एक सब्जी रहती है, और रोटी। सॉरी, आज है तुरई की सब्जी, तुरई की सब्जी और रोटी। और
वैसे तो बेबी का जॉन्डिस सही हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी हल्दी वाला खाना नहीं खा रही हूँ, बिना हल्दी का खा रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बेकार हो रहा है ऐसा कुछ, या इसमें हल्दी नहीं है या इसमें मिर्च नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अब मुझे पता है ना कि मैंने खाना यही है तो मुझे सही लग रहा है। ये देखिए, ये है मेरी सब्जी, दिख रहा है आपको? कुछ ऐसा कलर है इसका, अच्छी लगती है तुरई की सब्जी तो। और दो रोटी खा लेती हूँ, उसके बाद सीधा करती हूँ एडिटिंग। तो खाना मैंने खा लिया है और अब करती हूँ फिर से फ़ोटो सिलेक्शन का काम। और ये विंडो मैंने खोल दी है, यहाँ से भी थोड़ा सा उजाला आ जाता है, लेकिन बेबी की वजह से मैं खोलती नहीं हूँ क्योंकि ठंडा हो जाएगा। लेकिन बारिश के बाद तो इतना गर्म होने लग गया ना, तो मैंने खोल दिया। और बेबी अब अच्छे से सो चुकी है, ये देखिए। हमारी शुभी बेबी सो चुकी है, तो चलिए फिर मैं जल्दी से करती हूँ काम, फिर इसके बाद करनी है मुझे एडिटिंग, फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, तो अभी बज रहा है रात के 2 और बेबी अभी भी उठी हुई है। मतलब इसने ना शाम को इतना परेशान करा, ये लगभग उठ गई थी 6:30-7 बजे के आसपास, और ये सोई होगी लगभग 10-10:30 बजे के आसपास तो सोई होगी। और अभी फिर से उठी है दूध पीने के लिए, देखो पीछे उठी दूध पीने के लिए। तो मुझे इसने एडिटिंग नहीं करने दी कल, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी बहुत मैंने रात में करी, थोड़ा मैं अभी कर रही हूँ। हाँ, मम्मा को काम नहीं करने दिया कल। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।